जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं ओपी चौधरी निविया एजुकेशन सेंटर में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, मतलब क्लास रहने वाली है, प्रमुख समाधि स्थल यानी कि महापुरुषों के समाधि स्थलों के नाम, वो भी एक शानदार ट्रिक के साथ। तो करें शुरुआत बिना देर किए। सबसे पहले है राजघाट। राजघाट है महात्मा गांधी जी का। राजघाट महात्मा गांधी। तो इनकी ट्रिक ये बनेगी कि अभी हाल ही में हर जगह राजघाट चलता है कि रुपयों का फोटो किसका है, महात्मा गांधी जी का। तो उसे ट्रिक बनेगी कि गांधी जी का हर जगह राज चलता है, तो राज से बन जाएगा राजघाट और राजघाट है महात्मा गांधी जी का। अगला है स्मृति स्थल, वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इनकी ट्रिक ये बनेगी कि जो अपने कार्यों में अटल रहते हैं, जो अपने महान कार्यों में अटल रहते हैं, उनकी याद में स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। जो अपने महान कार्यों में अटल रहते हैं उनकी याद में स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते हैं, तो स्मृति स्थल बन जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अगला है शांतिवन, और वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। पंडित जवाहर लाल नेहरू। तो इनकी ट्रिक ये बनेगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का उपनाम है चाचा, उनका उपनाम है चाचा। तो उनसे ट्रिक बनेगी, चाचा शांत स्वभाव के थे, चाचा शांत स्वभाव के थे, तो चाचा से बन जाएगा जवाहरलाल नेहरू और शांत से बनेगा शांतिवन। चाचा शांत स्वभाव के थे तो बन जाएगा शांतिवन। शांतिवन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। अगला है कर्मभूमि। कर्मभूमि, तो कर्मभूमि है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जी का है। तो इनसे ट्रिक बनेगी कि ए बंदे तू कर्म किए जा, ए बंदे तू कर्म किए जा, तेरे को शंकर अपने आप मिल जाएंगे। तू कर्म किए जा, तेरे को शंकर अपने आप मिल जाएंगे, मतलब शंकर मतलब महादेव। ए बंदे तू मन से कर्म किए जा, महादेव तेरे को अपने आप प्रसन्न होकर मिल जाएंगे। तो कर्म से बन जाएगा कर्म भी और शंकर मिल जाएंगे से बन जाएगा शंकर दयाल शर्मा। अगला है शक्ति स्थल, समता स्थल और वीरभूमि। पहले मैं तीनों महापुरुषों के नाम निकाल देता हूं, उसके बाद आपको तीनों की ट्रिक एक साथ बताऊंगा। शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी जी का, इंदिरा गांधी। समता स्थल है जगजीवन राम का, जगजीवन राम, जगजीवन राम। और वीरभूमि है राजीव गांधी, राजीव गांधी। तो इनकी ट्रिक ये बनेगी कि इंद्र में शक्ति, इंद्र में शक्ति, जग में समता, वीर राजीव। ट्रिक बने याद रखना है, इंद्र में शक्ति, जग में समता और वीर राजीव। इंद्र में शक्ति, जग में समता और वीर राजीव। तो इंद्र में शक्ति से बनेगा, शक्ति से बन जाएगा इंदिरा गांधी, और जग में समता तो समता से बन जाएगा जगजीवन राम जी का, और वीर राजीव मतलब वीर भूमि है राजीव गांधी जी की। अगला है एकता स्थल। एकता स्थल है ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। तो उनकी ट्रिक ये बनेगी कि एकता के साथ ज्ञान रखो। ज्ञान कैसे रखो, हमेशा एकता में ज्ञान रखो तो कभी आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। हमेशा एकता में ज्ञान रखो तो आपको कभी जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो एकता स्थल बन गया है ज्ञानी जैल सिंह जी का। अगला है किसान घाट, वो है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो इनसे ये ट्रिक बनेगी कि ज्यादातर चौधरी किसान होते हैं, ज्यादातर चौधरी क्या होते हैं, किसान होते हैं। तो चौधरी से बन जाएगा चौधरी चरण सिंह और किसान से बनेगा किसान घाट। वापस ट्रिक बता रहा हूं कि ज्यादातर चौधरी होते हैं किसान, तो चौधरी चरण सिंह हो जाएगा किसान घाट। अगला है चैती भूमि या फिर चैत्र भूमि है, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उनकी ट्रिक बहुत ही शानदार बनती है कि जिस महान आत्मा ने संविधान को एक चित्र के रूप में इकट्ठा किया था, उनके समझ का नाम है चैत्र भूमि। तो चित्र से बन जाएगा चैत्रा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। महान भूमिका रही थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की संविधान लिखने में। तो चित्र किन्होंने एक संविधान को एक रूपरेखा कैसे दी थी, तो उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उनकी समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में भेजो, आगे हर प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।